गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरेश कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैक्टिस बैच में। और आप लोगों का टीजीटी का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो लगातार। और प्रैक्टिस में क्या है कि भाई केमिकल बॉन्डिंग के मैंने कुछ बुक्स के नाम बताए थे आपको फर्स्ट लेक्चर में, उन्हीं किताबों के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ और बहुत यूनिक और आपके एग्जाम में आने वाले ही सवाल हो रहे हैं। तो हम लोग काम करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी सवाल जितने भी किताबों के अंदर है सारा का सारा अभी से निपटा लेते हैं। भाई एग्जाम कब होगा आप लोगों को जल्दी से अपडेट मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इस पेपर में इस केमिकल बॉन्डिंग का जो वेटेज है भाई लगभग लगभग 12 से 14 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। 60 से 65 सवाल केमिस्ट्री के आते हैं तो 12 से 14 सवाल आपके केमिकल बॉन्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर मैं पहले आया हूँ। और आप लोग बराबर इसको बने रहिए, देखते रहिए, कुछ डाउट होता है कुछ भी रहता है तो डायरेक्ट फोन करिए भाई, ये मेरा पर्सनल नंबर है यहाँ पे, और इस पे कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैं अब आपको लेके चलता हूँ आज के थर्ड लेक्चर में, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दे रखा है कि जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे रखी है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे रखी है और आपसे सवाल ये पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, ए बी सी डी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका पहला सवाल है और बहुत यूनिक सवाल है भाई, ऐसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 सेकेंड मिलते हैं तो ऐसे सवाल बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऑक्सीजन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी दे रखी है 3.5, फ्लोरीन इसकी कितनी दे रखी है भाई 4, नाइट्रोजन की कितनी है 3.2 और क्लोरीन की कितनी है 3.0 और हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, ये आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे रखी है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड मजबूत है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो भाई सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू दे रखी है, उन्हीं का डिफरेंस निकाल लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा वही बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो यहां पे हम देख लें भाई, ऑक्सीजन की देखिए कितना है 3.5 और फ्लोरीन की कितनी है 4, तो पहले वाले में हमारा बॉन्ड डिफरेंस क्या आया भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस पहले वाले में क्या आया 0.5, देखिए मैं मॉड में लेकर चल रहा हूं, और ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पे आपकी 3.5 माइनस क्लोरीन की कितनी है 3.0, इसकी भी आ गई 0.5। नाइट्रोजन वाले का कितना है भाई जी, नाइट्रोजन का देखिए 3.2 माइनस हाइड्रोजन 2.1, कितना आ जाएगा एक जाएगा इसमें से एक 1.11, ठीक। लास्ट वाले में आइए, लास्ट वाले में ऑक्सीजन का 3.5 और इसका 2.1, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.4, तो आप बात समझ में आई, 1.4 सबसे ज्यादा डिफरेंस जनरेट कर रहा है, इसका मतलब O और H का बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड है, तुरंत आप आंसर लगाओगे क्या डी आंसर। तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिया रहेगा और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ देगा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो आपको बस उनके डिफरेंस निकाल लेने हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, बस और कुछ नहीं करना है। चले भाई आगे, और ये सवाल केमिकल बॉन्ड के जिसमें आप लोग आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हो उनके फेवरेट सवाल है भाई, जो 30 से 40 सेकंड में हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, विच हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, Which has maximum covalent character? आप लोगों को बार बार चीख चीख के मैं आपको फजान रूल पढ़ाया था और फजान रूल से आंख बंद करके 2 से 3 सवाल भाई आपके एग्जाम के आने ही आने हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फजान में कि थर्मल स्टेबिलिटी, आपकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर, सोल्युबिलिटी, जितना भी ट्रेंड है मैक्सिमम मिनिमम या ऑर्डर लगा दो, सब आपके दिमाग में होने चाहिए और तरीके से मैं बिल्कुल ट्रिकी बता रखा हूं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी है भैया, एक बार जाके वीडियो देख लेना अच्छे से, ठीक है। विच हैज मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर, तो फजान के नियम के अनुसार जो कोवेलेंट करेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे भाई, तो हम लोग तीन तरीके से बात कर रहे थे,
पहला बात हमारा हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू, हम चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, साइज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे और कॉन्फिग्रुएशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे थे तो आपका जो केटायन है, केटायन आपका जो केटायन है और एनायन दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए था, हाई होगा, ये भी हाई होगा। अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों का चार्ज हाई होना चाहिए, तब कोवेलेंट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हम लोगों ने फजान में देखा था। दूसरा साइज में हमारा क्या था, साइज के फैक्टर में भाई साइज ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, साइज ऑफ केटायन हमारा स्मॉल साइज होना चाहिए और हमारा जो एनायन है वो लार्ज साइज का होना चाहिए। सारा रीजन बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि केटायन जितना साइज में छोटा होगा वो उतना ही क्या करेगा, जेड इफेक्टिव हाई होगा और पोलराइज करके एनायन को अपने पास में लेकर आएगा और एनायन में एक डायरेक्शनल नेचर आएगा जब, तो एनायल क्या करेगा कि ओवरलैपिंग करेगा और वहां पे जाके आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। इट मींस कि आप कॉन्फिगरेशन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, इसको आप अलग करिए, आप पहले चार्ज और साइज पे ही निपटा लोगे ज्यादातर सवाल। तो चार्ज दोनों का केटायन और एनायन का ज्यादा होना चाहिए कोवेलेंट नेचर के लिए या पोलराइजेशन के लिए, और साइज के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो केटायन की साइज छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज बड़ी होनी चाहिए। यही फजान का हमने देखा था भाई, एक ब्रीफ मैंने आइडिया दे दिया। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं आपके आंखों के सामने, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि सोडियम पे प्लस वन, इस पे आपका हो जाएगा प्लस फोर, इस पे हो जाएगा प्लस थ्री, इस पे हो जाएगा प्लस टू। तो सबसे पहले आपको चार्ज देखना है, क्या देखना है, चार्ज। सबसे पहले क्या चेक करोगे, चार्ज, चार्ज जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इट मींस कि भैया जी चार्ज किसका ज्यादा है, इसका, इसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा, और जिसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा भैया, उसके बाद में मैंने उसके रिलेशन भी बताए थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीजों का भी, ठीक है। तो इसका कोवेलेंट करेक्टर मैक्सिमम किसका आएगा, इसका। यहीं पे मान लीजिए ऐसा सवाल होता, यहीं पे एक ऐसा सवाल होता कि मान लीजिए कि लिथियम क्लोराइड, लिथियम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड और आपका ये सीजियम क्लोराइड, एक सवाल मान लीजिए ये रहता और आपसे पूछ लेता कि चलिए आप बता दीजिए कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है इस पे भी प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, चार्ज सब पे सेम हो रहा है, चार्ज सब पे सेम हो रहा है। इट मींस कि चार्ज वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं। अब यहाँ पे साइज का फैक्टर देखेंगे और साइज जिसकी छोटी होगी केटायन की, देखिए यहाँ पे एनायन में क्लोरीन 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 सब में सेम है, तो केटायन की साइज जिसकी छोटी उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा। तो सबसे छोटा साइज क्या होता है, लिथियम का, तो लिथियम का कोवेलेंट करेक्टर भाई सबसे ज्यादा, ठीक। और जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी रिलेशन मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। और फजान से तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भैया 100% आएंगे, तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल सही करके एक डायरेक्शनल में काम करो, बहुत बकवासबाजी नहीं करनी हमें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, न इधर उधर कुछ नहीं, पॉइंट टू पॉइंट काम करो, सिलेक्शन लेकर निकलो आगे। चलो भाई तीसरे पे आ जाओ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आ गया भाई साहब, जिसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर जिसका ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब आपको कोवेलेंट करेक्टर कम वाला देखना है, मतलब मैं ये कह लूं ये वाली जो बात मैंने अभी लिखी है कि कोवेलेंट करेक्टर जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो भाई एक बात बताइए, इस पे चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सब पे चार्ज तो प्लस दो,
आपका माइनस दो, ये सारे के सारे चार्ज आपके सिमिलर हैं, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पे टू प्लस, टू सी एल पे माइनस दो चार्ज, अपना चार्ज के रिस्पेक्ट में बात आ जाती है साइज के रिस्पेक्ट में। और साइज के रिस्पेक्ट में देखें तो एनायन 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 सब में सेम है, तो साइज ऑफ केटायन देखेंगे, जिस केटायन की साइज सबसे छोटी होगी उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इट मीन्स कि बेरिलियम क्लोराइड का कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा और बेरियम क्लोराइड का कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम। इसका कोवेलेंट करेक्टर, इसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे सबसे कम है, सबसे कम। जब इसका सबसे कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। तो मतलब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कोवेलेंट करेक्टर घुसता जाएगा उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। रीजन ये है कि बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, आसानी से मेल्ट होगा। और ये देखिए ये आयनिक है, यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा, ऑर्डर अगर हमें लगाना हुआ भाई, इसका ऑर्डर लगाना हुआ कोवेलेंट नेचर का, तो BeCl2, MgCl2, CaCl2 और BaCl2, ये ऑर्डर हम लगा रहे हैं कोवेलेंट करेक्टर का या कोवेलेंट नेचर का या सहसंयोजक गुण का। तो BeCl2 का सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ये जो इधर है वो ऐसे 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 हो जाएगा। ये सब फजान रूल में पढ़ा रखा हूं, और इतना ध्यान रखिए भाई, बार बार कह रहा हूं, यहां से सवाल 100% आएगा, प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो मेरा नंबर है भैया, डायरेक्ट फोन कर लेना, दिक्कत मत कर लेना, पूरा पढ़ा दूंगा, जूम ऐप पे, गूगल मीट पे, कॉपी पे पढ़ा दूंगा, इंडिविजुअल पढ़ा दूंगा, टाइम ले लेना बस। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर की अगर बात करा जाए तो पहली बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन जो है आपका, ये जो हाइड्रोजन है ये किससे कनेक्ट होता है, फोन से कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, फोन से, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब ये क्या है, ये सारे के सारे स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, स्मॉल साइज और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले से ये हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और ये कई तरीके के, मतलब ये है कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बस हल्का सा कि हाइड्रोजन आपका FOM से कनेक्ट होता है, कभी कभी क्लोरीन जो है आपका, जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपने अभी पिछले लेक्चर में, पिछले सवाल में देखा था कितनी थी भाई, क्लोरीन की 3 थी और नाइट्रोजन की कितनी थी यहाँ पे 3.2 थी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि FON के साथ साथ में कभी कभी क्लोरीन भी बहुत ही हल्का फुल्का क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करने लगता है, तो लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बात आई साइज की तो क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, इस वजह से इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो और साइज में भी छोटा हो। तो आपका स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है एफ का है, फिर ओ का है, फिर एन का है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर सबसे लास्ट में आपका आता है क्लोरीन का, सबसे लास्ट में आता है क्लोरीन का। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है भाई, ये लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप लोग लेक्चर में जाके देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ का मतलब कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्लोरीन आपका। ये क्लोरीन वाला जो सीन है भाई, ये क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप देख रहे हैं क्लोरीन का 3 है और नाइट्रोजन का 3.2 है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये 3.2 और 3 का इनका ऑर्डर है। ये पीछे आने का थोड़ा सा रीजन ये भी है क्योंकि इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, थर्ड ग्रुप का होता है,
साइज हमें छोटा चाहिए होगा, स्मॉल साइज का होना चाहिए और मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होने चाहिए। अब इस हिसाब से आप ढूंढ लीजिए अपने ऑप्शन में, आइए भाई कि फ्लोरीन वाला किस में ज्यादा है। पहले ऑप्शन में देखिए क्लोरीन है, दूसरे ऑप्शन में नाइट्रोजन है, तीसरे ऑक्सीजन है, तो चौथे वाले में फ्लोरीन, फिर देखिए ऑक्सीजन, फिर देखिए नाइट्रोजन, फिर देखिए क्लोरीन। तो इसकी ज्यादा आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, इंटर और इंट्रा ये सब सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। कब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है, किस वाले में घट जाती है, विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन वीकर होता है, कौन स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत सवाल इनसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक, तो ये आपका क्या है, फोन, ये ध्यान रखना है, फोन। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। लास्ट सवाल आपका है, अमाउंट द लिक्विड गिवेन बिलो द विस्कोसिटी विल बी हाईएस्ट, विस्कोसिटी विल बी हाईएस्ट, तो जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा विस्कस होगा, और कौन सी, इंटर मलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें ज्यादा हो रही है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका वो ज्यादा विस्कस होगा, वो क्या होगा, वो ज्यादा विस्कस होगा। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेनी है भाई, किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखिए यहां पे एथिलीन ग्लाइकॉल C2H5OH, ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH, ग्लिसरॉल है आपका, इसमें तीन आ जाएंगे OH, यहाँ पे OH और CH2OH, और ये फिनॉल है आपका। तो ग्लिसरॉल के अंदर सबसे ज्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस हैं और होते भी हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वो ज्यादा विस्कस होगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर भाई, ग्लिसरॉल। बात समझ में आ गई आपको, तो मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना है, पहचान आपको केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, आपको हाइब्रिडाइजेशन, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऐसे पॉइंट वाइज बना बना के आपको पढ़ना है। और प्रैक्टिस के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, प्रैक्टिस के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, प्रैक्टिस में केमिकल बॉन्डिंग के हर किताब से ढूंढ ढूंढ के दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस करिए। और एक अच्छा आप लोगों को न्यूज़ देना है हमें कि हम लोग जल्दी आपका LT बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन बैच हमारा प्रयागराज में स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन भी हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे लेवल पे आपको LT का प्रिपरेशन करवाएंगे भाई। आप लोग हमसे कनेक्ट होइएगा, और किसी भी तरीके का डाउट आपको प्रैक्टिस से होता है या किसी और तरीके से, तो हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात करिए। थैंक यू सो मच, मैं अगले लेक्चर में मिलता हूँ कुछ नए सवाल के साथ में आपका। ओके, थैंक यू।